ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما हर तरह की तारीफ उस अल्लाह वो सबुआमीन के लिए लायक और जेबा जो सारे ज़हान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों रसूलों पर दरुद और सलाम नाजिल हों खूस आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं मोहतरम हाजरीन हम सब अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है और अल्लाह ने हम सबको इसलिए पैदा किया है ताकि हम अल्लाह की इबादत करें लेकिन अक्सर लोग अल्लाह की इबादत का मफहम नहीं समझते और उसके तकाज़े पूरे करने से सेिर आज के खुतबे में मैं इन बताने की कोशिश करूँगा कि इबादत का मफहम क्या है और उसके फ़वाद क्या हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रबालमीन मुझे हक बात कहने की और आप हज़रा को सुनने और समझने की और हम तमाम लोगों को हक बात कबूल करने की और अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह तबारक ताली ने कुरान मजीद में इंसान की पैदाइश का मकसद बताया वमा मा खल जन्ना वलसा अबदौन हमने तमाम इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत करें अक्सर लोग इस मकसद से गाफिल हैं और अक्सरियत ये समझती है कि हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि खाएँ पिए मौज मस्ती करें और दुनिया से चले जाएँगे इसी आप देखेंगे कि अक्सर लोग दुनिया के पीछे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारा बंगला सबसे अच्छा होना चाहिए हमारी गाड़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए हमारा ओहदा सबसे ऊंचा अच्छा होना चाहिए हमारा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए अक्सर लोग इसी में मेहनत कर रहे हैं हमारी इबादत सबसे अच्छी होनी चाहिए हमारा रब हमको पसंद कर ले हमारा रब हमसे खुश हो जाए इस चीज़ की तरफ हम तवज्जो नहीं देते जबकि हमारे पैदाइश का मकसद ये है कि हम अल्लाह को राजी करें हम अल्लाह को खुश करें अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो गया तो हम अपनी ज़िंदगी के मकसद में कामयाब हो गए हमने दुनिया के बड़े बड़े उहदे और मनसब हासिल कर लिया लेकिन अगर अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है हमारी पैदाइश का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना अल्लाह की इबादत करना अब अल्लाह की इबादत क्या है हम लोग समझते हैं कि नमाज़ पढ़ लेना रोज़ा रख लेना हज कर लेना क़ुरानी मजीद की तिलावत कर लेना सिर्फ यही इबादत ये तो फ़र्ज़ है सिर्फ़ यही इबादत नहीं है बल्कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का एक एक मिनट एक मुसलमान की जिंदगी का एक एक सिकंड अल्लाह की इबादत में गुजरना चाहिए इसलिए कि हमारी पैदाइश का मकसद ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें अब अगर आप इबादत का मफहम समझ लेंगे तो इबादत करना आसान हो जाएगा इबादत के मुतालिक वलमा के मुख्तलि अकबाल हैं जिसमें से सबसे सही बात यह है कि इबादत का मफहूम यह है कि अवामिर को अंजाम दिया जाए अल्लाह और उसके रसूल ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों को किया जाए यही इबादत है अल्लाह और उसके रसूल ने जिन कामों से मना किया है उन कामों से रुका जाए यही इबादत है हमेशा हर घड़ी हर लम्हा हमारे दिल में अल्लाह का खौफ हो अल्लाह का डर हो यही इबादत है अगर हर घर हर घड़ी हर लम्हा हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहेगा तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे यही इबादत है हर वक्त हर घड़ी हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए अल बैन अल अलखफी व रजा ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है जब इंसान गुनाह का काम करने चलता है तो उसके दिल में डर पैदा होता है कि अपने रब के सामने क्या मुंह दिखाऊँगा ये ईमान है और जब इंसान से कोई गुनाह हो जाता है तो इंसान अपने रब से माफ़ी मांगता है जानता है कि मेरा रब मुझे माफ़ करने वाला है ये उम्मीद है इसी का नाम इबादत है अल-ईमान अल अलखफी व रजा ईमान खौफ और उम्मीद के बीच में है इसी तरीके से हमारे दिल में हमेशा अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह की एतात का जज्बा होना चाहिए और हम हर घड़ी अल्लाह से मोहब्बत के तकाजों को पूरा करने की कोशिश करें इसी का नाम इबादत है इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर काम करते वक्त अल्लाह को याद रखें हमारी ज़ुबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह कहती हैं कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाम यदकुल्लाया नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहते थे हमारी ज़िंदगी का शेड्यूल बताया गया इंसान सबसे पहले सुबह सवेरे जब उठता है किसका नाम लेता है अल्लाह का नाम लेता है कितने लोग हैं जिन्होंने सोकर उठने के बाद अल्लाह का नाम लिया गौर करो एक सच्चा मुसलमान सोकर उठते ही जैसी ही उसकी आंख खुलती है किसका नाम लेता है अल्लाह का नाम अलहमद अहयाना बादमा अमातना व वही यहीं से इबादत शुरू होती है उसके बाद इंसान सोकर उठने के बाद उसको ज़रूरत होती है पेशाब की पैखाने की पेशाब पैखाने को जाते वक्त जैसे ही वह बैतुलखला के करीब पहुँचता है वहाँ भी अल्लाह का नाम लेता है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज भी का मिनल ख़ूबी वी वहाँ से निकलता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है गफ़रा का फिर एक मुसलमान की पहचान ये है कि अपने घर से निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है कुव्वता इल्ला तो रास्ते में चलते हुए अल्लाह का नाम लेता है मस्जिद में पहुंचता है अल्लाह का नाम लेता अल्लाहताली अब आबा रहमती का अल्लाह के सामने आकर के इबादत करता है निकलता है फिर दुआ करता है अल्लास का मिनफलिक बताने का मकसद क्या है हमारे इस्लाम ने हमको एक शेड्यूल पेश किया है उसी शेड्यूल के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा हर कदम जो उठेगा वो इबादत होगा हमारी एक सांस जो निकलेगी वो इबादत होगी नमाज पढ़ लेने के बाद लोगों के माल हथिया लेना हज करने के बाद लोगों को धोखा देना चेहरे पर दाढ़ी सजा लेने के बाद लोगों के साथ फराड़ करना ये इस्लाम है इससे कामयाब होंगे जिंदगी का एक एक लम्हा ये इबादत है अगर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारा जाए इसी तरीके से जब इंसान रोजी के लिए निकलता है हलाल रोज़ी तलाश करना हराम से अपने आप को बचाना दो वक्त के बजाय एक वक्त खाना फटे पुराने कपड़े पहन लेना टूटे फूटे घरों में गुजारा कर लेना लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना हराम माल नहीं कमाना ये इबादत है आज लोग कहते हैं कमाई नहीं है जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमने दुआ किया हमने अल्लाह को याद किया अपनी दुकान खोलते वक्त हमने अल्लाह का ज़िक्र किया فَإِذَا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا تُفْلِحُونَ अल्लाह ने फ़रमाया जब नमाज़ से फारग हो जाओ तो बस इससे बाहर निकल जाओ अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ मालूम यह हुआ कि रोज़ी का जिक्र इलाही से बहुत गहरा था है। वो लोग जो अल्लाह के जिक्र से काफिल हैं उनकी रोज़ियों में बरकत नहीं हो सकती है हलाल रोज़ी कमाओ दो रोटी के बजाय एक रोटी खाओ हलाल खाओ फटे पुराने कपड़े पहन लो लेकिन हलाल रोज़ी कमाओ इसमें बरकत है हलाल रोज़ी खाओ हलाल रोज़ी कमाना भी इबादत है इसी तरीके से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इबादत करना आज जिस माहौल में हम गुज़र रहे हैं बहुत सारे लोग अपने किसी पीर को किसी बुज़ुर्ग को जब लोगों में पॉपुलर करना चाहते हैं तो गढ़ी हुई बातें उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं कहते हैं फला आदमी ने पूरी रात नमाज पढ़ी फला आदमी ने एक पैर पर खड़े होकर के इतनी इबादत की है ये सब शैतानी काम है एक पैर पर शैतान खड़े होकर इबादत करता हमारे नबी अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं रहा आप वसल्लम ने फरमाया कि सो जाओ सोकर उठो अल्लाह तला कितनी ताकत देता है उतनी नमाज पढ़ो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी नींद कुर्बान करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया एक सहाबी के बारे में बताया गया कि वो पूरी रात नमाज पढ़ते हैं आपने उनको बुलाया और कहा तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है अगर तुम पूरी रात नमाज पढ़ते रहोगे तो बीवी का हक कौन अदा करेगा आपने फरमाया तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है अगर तुम पूरी रात नमाज़ पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे जिस्म को राहत कैसे मिलेगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसलिए आराम करता है ताकि उसके जिस्म को राहत मिले और उसकी इबादत में कंटिन्यूटी हो तो ये इबादत ये सोना ये राहत उसके लिए इबादत बन जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तीन सहाबा जिन्होंने आकर जिक्र किया था मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा मैं कभी शादी नहीं करूंगा मैं हमेशा रोज़े रखूंगा अल्लाह के नबी ने उनको डांटा कहा पूरी रात नमाज़ पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है मैं अल्लाह का रसूल हूँ मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ मैं नफली रोज़े भी रखता हूँ कभी बगैर रोज़े की भी रहता हूँ मैंने शादी ब्याह की है बगैर शादी ब्याह के रहना ये कोई इबादत नहीं है तो मेरे भाइयों इबादत इबादत के लिए ताकत हासिल करना जिसम को राहत पहुँचाना ताकि अल्लाह की इबादत बेहतर तरीके से हो सके ये भी इबादत है इसी तरीके से जिसम को मजबूत बनाना अल्मिनकविय खैरवाहबल्लामोमिनीफ़ मजबूत मोमिन ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर लेकिन खैर दोनों में है आप देखेंगे कि जो मजबूत मोमिन होता है नमाज़ पढ़ने में उसको कोई परेशानी नहीं होती है जो कमज़ोर रहता है उसको उसके कमर में दर्द उसके घुटने में दर्द उसको चक्कर आता है वो मस्जिद को नहीं आ पाता है रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रख पाता जिस्म को मजबूत करना ताकि अल्लाह की इबादत बेहतर तरीके से कर सकें यह भी इबादत यह भी इबादत अल्लाह के नबी ससरमन जो दुआ करते थे अय अल्लाह मुझे ऐसी जुबान दे जो तेरा जिक्र करती रहे अल्लाह मुझे ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरा शुक्र अदा करता रहे और आए अल्लाह मेरे जिसम में कुत और ताकत फरमा जो तेरी इबादत में लगा रहे तो अपने जिसम को मजबूत करना ताकि इबादत बेहतर तरीके से कर सके यह भी इबादत है इसी तरीके से कारोबार में सच्चाई का वफादारी का दयानत का ख्याल रखना ये भी इबादत जो झूठ बोलते हैं जो फरत करते हैं जो धोखा देते हैं वो इबादत का हक़ नहीं अदा कर सकते इसलिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन तिजारत में लोगों को धोखा देता है उसकी इबादत सही नहीं है अपनी इबादतों को पाक करो अपनी कमाई को पाक करो लोगों के साथ धोखाधड़ी करना शरीयत में इससे मना किया गया इसी तरीके से वालिदैन का रिश्तेदारों का अपनी औलाद का हूक़ अदा करना इसको भी इबादत कहा गया जो आदमी इबादत करता है लेकिन उसके माँ बाप उसकी मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं उसकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी जो आदमी इबादत तो करता है लेकिन अपनी बीवी का हक़ नहीं अदा करता है अपने बच्चों का हक़ नहीं अदा करता है वो इबादत का हक़ नहीं अदा कर सकता है इबादत के साथ साथ बीवी बच्चों के हकूक़ वालदान के हकूक़ और रिश्तेदारों के हकूक भी अदा करना है ये भी इबादत है इसी तरीके से कोई आदमी इबादत तो करता है लेकिन लोगों से मेल जोल उसका सही नहीं है किसी से मिलता है तो नफरत लेकर के किसी से मिलता है तो माथे पर शिकन है सिलौटियाँ पड़ी हुई हैं किसी से सही मुंह बात नहीं करता है वो इबादत का हक़ नहीं अदा कर सकता हमारे नबी ने यह हुक्म दिया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो खंदा पेशानी के साथ मिले मुस्कुराते हुए मिले ताकि सामने वाले को एहसास हो ये मेरा अपना हमदर्द है ला तहकिरन ना मिनल मरूफ सैया कब हन तला किसी भी म, म, नेकी को मामूली ना समझो अगरचे तुम्हारे भाई के साथ खंदा पेशानी से मुलाकात करना तो हमें चाहिए कि इन बातों का ख्याल करें इसी तरीके से इबादत का सबसे आला मफहम वो है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए ताग़ूत से अपने आप को बचाया जाए अल्लाह तबारक तआला ने जितने नबी रसूल पैगंबर भेजा उन तमाम का मकसद यही था कि लोगों को एक अल्लाह की इबादत से जोड़ दिया जाए और ताग़ूत से उनको बचा लिया जाए अल्लाह ने फरमाया वकदबास नफिकल उम्मानी इब तनिब ताग़ूत हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा जिनका मकसद क्या था इबुदुल्लाबुद तागौत एक अल्लाह की इबादत करो और तागौत से बचाओ अल्लाह के अलावा जितने की इबादत की जाती है सब तागौत हैं चाहे वो खड़े हों या पड़े हों चाहे वो मरे हों या जिंदा हों अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत की जाती है वो सब तागौत हैं अपने आप को उनसे बचाना ये भी इबादत इसी तरीके से अगर हम इबादत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने आप को शैतान की बंदगी से बचाएं। शैतान को अल्लाह ने नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया अब शैतान ये सोचता है कि इंसान को भी जन्नत से महरूम करवा दे। इसलिए शैतान की कोशिश होती है कि कोई अमल आपसे करवाए हमसे करवाए ताकि हम जन्नत से महरूम हो जाएं। हमें शैतानी हथकंडों को समझ करके उससे अपने आप को बचाना ये भी इबादत है आज बहुत सारे लोग इबादत तो करते हैं लेकिन शैतानी हथकंडों से अपने आप को नहीं बचा पाते शैतानी हथकंडों में सबसे अहम क्या है वो आपको शिरक में मुबतला करना चाहता और इंसानों की अक्सरियत इसमें मुबतला है आप देखें मस्जिदें वीरान हैं लेकिन दूसरे अड्डे जहां पर शिरकिया काम किए जाते हैं वो किसी भी शक्ल में हो इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है कौन कौन से शिरक के अड्डे हैं जहाँ जो लोग जाकर के अपना माथा टेकते हैं जहाँ लोग जाकर के मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई की दुहाई देते हैं गैरों की बात छोड़िए अपनों में भी अक्सर लोग शिरक में मुबतला हैं आज अल्लाह के घर वीरान हैं गैरों के घर आबाद हैं तो शैतान हमको ये चाहता है ताकि हमसे ऐसा काम ले ले ताकि हम जन्नत से महरूम हो जाएं। अपने आप को शैतानी हथकंडों से बचाने की कोशिश करो इस्लाम ये हुक्म देता है कि हलाल खाएं, लेकिन शैतान हमें हराम कमाई में लालच दिखा करके हमको हराम खोरी में मुबतला करता है चुनानचे आप देखेंगे बहुत सारे लोग पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है कौन से रास्ते से आ रहा है इसका लेना हमारे लिए हलाल है या हराम इसकी फिक्र नहीं करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु ने चौदह सौ पैंतीस साल पहले कहा था एक जमाना आएगा लोग माल के पुजारी हो जाएंगे उनको माल चाहिए हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं आज आदमी रात और रात मालदार होने के लिए हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर दिया है और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आदमी हराम कमाता है हराम खाता है उसकी कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। शैतानी हथकंडों से अपने आप को बचाएं इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी से हलाल तरीके से मिलना ये भी इबादत है साहब के नाम ने पूछा किए अल्लाह के रसूल आदमी भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है शहाबत पूरी करता है उसमें भी उसको सवाब मिलता है उसमें भी सदक़े का स्वभाव है हमारे नबी ने फरमाया हाँ अगर आदमी के अंदर शहाबत बेदार हो और वो गलत तरीके से अपनी शहाबत को पूरी करे तो बताओ कि उसको गुनाह मिलेगा नहीं। कि नहीं सहाबा ने फरमाया है अल्लाह के रसूल अगर आदमी गलत तरीके से अपनी शहाबत को पूरी करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा हमारे नबी ने फरमाया सही तरीके से पूरा करता है तो सवाब भी मिलता अपनी बीवी से शहाबत पूरी करना ये सवाब का काम है सदक़ा है शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है बीवी के अलावा दूसरी औरतों को खूबसूरत बनाकर हमारे सामने पेश करता है और हमारे नौजवान वक्ती तौर पर उनकी हुस्न और ख़ूबसूरती को देख करके अपने आप को उनकी तरफ मायल कर लेते शैतान हमको मिसगाइड करता है गुमराह करता है और हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गुनाहों में मुब्तला होते हुए चले जाते हैं तो इस तरीके से शैतानी हथकंडे से अपने आप को बचाना ये भी इबादत है इबादत के चंद वसूल और ज़ाबते हैं उन्हीं वसूलों और ज़ाबतों के मुताबिक मुताबिक अगर हमारी इबादत होगी तो अल्लाह कबूल करेगा वरना इबादतें रद्द कर दी जाएंगी। इबादत के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि आदमी के अंदर इखलास होना चाहिए आप कोई भी काम करें नमाज पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं सदका खैरत करते हैं हज उमर करते हैं अगर इखलास है तो कबूल होगा अगर इखलास नहीं है तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल कबूल नहीं होगी यत्न ही नहीं अक्सर लोग यही जानते हैं ना कि अगर इबादत में अखलास नहीं है तो वह अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी यही जानते हैं ना नहीं उससे एक कदम और आगे बढ़िए अगर इबादत में इखलास नहीं है तो वो इबादत कबूल नहीं होगी और वो इबादत अल्लाह के यहाँ असाब इलाही का जरिया बन सकती है एक कदम आगे बढ़िए हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन आदमियों को जहन्नम में पहले जो डाला जाएगा और उन्हीं से जहन्नम को गरमाया जाएगा वो कौन लोग होंगे वक्त का एक बड़ा आलिम होगा वक्त का बड़ा एक सखी होगा वक्त का बड़ा एक मुजाहिद होगा आलिम से सखी और फ़यास से और इसी तरीके से मुजाहिद से जहन्नम को गरमाया जाएगा ने किया तो अच्छी किया था लेकिन इखलास नहीं था इसलिए ना ये कि सिर्फ़ इबादतें रद्द कर दी जाएंगी, खुशफहमी में ना रहें ये इबादतें हमारे लिए अजाब इलाही का जरिया बन सकती हैं इसलिए अपनी इबादतों में इखलास पैदा कराएं वमा उमिर अबलसना लहुद्दीन और उनको नहीं हुक्म दिया गया है मगर इस बात का कि वह अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ और सूरह फातिहा जो हर नमाज के हर रक़ात में हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इ्या का न व ईया का न अय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं यहां तो अल्लाह के सामने हम इकरार करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं उसके बाद अल्लाह के बंदों के सामने जाकर जा के हाथ फैलाते हैं गैरुल्लाह के सामने जाकर के सजदा करते हैं हम कहते हैं या का ना बुद्धू ईया का न अय अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तुझे से मदद मांगते हैं हम दूसरों के नामों का सहारा लेते हैं हम मदद के लिए दूसरों के नाम पुकारते हैं क्या ये शिरक नहीं है जो भी इबादत की जाए बुनियादी शर्त है कि उसमें इखलास होना चाहिए इसी तरीके से वो इबादत नबी के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए इसलिए कि अगर वो इबादत नबी के तरीके से हटकर है नबी से साबित नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग इबादत के नाम पर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं मोहब्बत रसूल के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं नबी के जलसे पर लेकिन अगर वो तरीक़ा नबी से साबित नहीं है वो तरीका काबिल कबूल नहीं होगा वो बिदात है अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमरिना मा लैसा मालई फहुवा फहरद्दन हमारी शरीयत में कोई नई बात डालता है इबादत का कोई नया तरीका निकालता है जो मुझसे साबित नहीं है तो वो काबिल रद है अब आप सोच लें कि नेकी के नाम पर सवाब के नाम पर जो काम किए जाते हैं वो नबी से साबित हैं कि नहीं अगर साबित नहीं हैं, तो वो विदात है और हमारे नबी ने फरमाया कुल्लो बिदातिन दलाला हर बिदात गुमराही है वो कुल्लो दलालतिन फिन्नार और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है आपको इस बात का खतरा था कि आगे चल करके आपकी उम्मत में बिरातें पैदा हो जाएंगी इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बात जरूर कहते थे फइन्ना बिदअ व व बिदअतिन फैन बिलातिनफिनार मेरी उम्मत के लोगों सुन लो दीन में नया बात दीन में नया काम दीन में नई बात दीन में नया तरीका निकालना यह बिलात है कुल्लु बिदा, दीन में जो नया काम शुरू किया जाए वो बिरात है वो कुल्लो बिदात दलाला और हर बिरात गुमराही है वो कुल्लो दलाल फिर और हर गुमराही का ठिकाना कहाँ है जहन्नम में है एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमिला अमलन लई सा अमरुना फ़हआ रद्दन अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा महर नहीं है जो अमल हमसे साबित नहीं है तो वो क्या है मरदूद है उसको कबूल नहीं किया जाएगा तो इबादत के लिए दूसरी शर्त यह है कि जो इबादत हम कर रहे हैं वो नबी से साबित हो तीसरी बात इबादत की मकदार और कैफियत दोनों नबी से साबित हो आज जुमा का दिन है पहले खुतबा है बाद में दो रकात नमाज यह नबी से साबित है अगर कोई शख्स पहले दो रकात नमाज पढ़े बाद में खुतबा दे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अल्लाह के नबी वसल्लम ईदैन के दिन ईद की नमाज पहले पढ़ते थे खुतबा बाद में देते थे यह नबी का तरीका है अगर कोई ईद से पहले खुतबा देता है तो ये गलत है जुमा के दिन खुतबा पहले है ईद नमाज बाद में है ईद के दिन नमाज पहले है खुतबा बाद में है अगर हम तरीके को बदलेंगे तो ये इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी पहले जुमा का खुतबा होगा फिर जुमा की नमाज होगी आपसे वो बात साबित हो वतन ही मकदार हो हम रोज चार रकात जोहर की नमाज पढ़ते हैं लेकिन जुमा के दिन वो चार रकात नहीं जुमा की नमाज पढ़ते हैं दो रकात क्यों हमारे नबी से दो रकात साबित है अब अगर कोई शख्स ये सोचे कि आज जुमा का दिन है बहुत ही मुबारक दिन है हम रोज चार रकात पढ़ते थे आज दो ही रकात क्यों पढ़ाएं इसलिए जुमा की दो रकात के बजाय वो चार रकात पढ़ ले तो ये गलत हो जाएगा इबादत के लिए जरूरी है कि वो इबादत हमारे नबी से साबित हो और आपने कितना किया है और कैसे किया है वो भी ये मैंने मिसाल दी हर अमल में इसी पर कयास कर सकते हैं इसी तरीके से इबादत करते वक्त हमारे दिल में यह एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं अलहसान अबूदल्लाह का तराहो फई तकन तराहू फईनहू याराक एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की इबादत करो तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो फईन लम तक तराहू फईन अगर तुम नहीं देख रहे हो तो अल्लाह तुमको देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम इबादत करते वक्त इस बात का एहसास करें कि हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और इबादत में कंसंट्रेशन पैदा करें आजजी पैदा करें खाकसारी पैदा करें जो इबादतें गफलत के साथ की जाती हैं वो इबादतें अल्लाह कबूल नहीं करता हम अल्लाह के सामने खड़े किसी बड़े आदमी के पास आदमी जाता है तो कैसा अदब के साथ खड़ा होता है अल्लाह के सामने खड़े हैं कुछ एहसास ही नहीं है लोगों को हमारी हरकतें कैसी रहती हैं हमारे मामलात कैसे कायनात के रब के सामने खड़े हैं वो जुल जलाल है उसके सामने हम खड़े हैं हमें एहसास तक नहीं है कि हमारा रब हमको देख रहा है हमें चाहिए कि इबादत में हम ये खौफ पैदा करें कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं हम अल्लाह को देख रहे हैं हम अल्लाह से गुफ्तगु कर रहे हैं अगर हम नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह हमको देख रहा है अगर इस नाही से इबादत करेंगे इस तरीके पर इबादत करेंगे तो इसके बहुत सारे फवायद हमको मिलेंगे सबसे पहला फ़ायदा यह है कि हम शैतान के गलबे से महफूज रहेंगे ये दुआएँ ये इबादतें अजकार प्रोटेक्शन अल्ला है अल्लाह इनके जरिए से हमें शैतान के हरबों से महफूज रखता एक मिसाल दूंगा अगर मैं ये मिसाल दूं कि शैतान के हरबों से हम कैसे बच सकते हैं मुस्तकिल खुदबा होगा सिर्फ एक मिसाल दूं। अभी हम लोग अपने घर से निकले मस्जिद के लिए आए सुन्नत तरीके से आए हैं सुनो अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने घर से निकलता है अपने घर से निकलता है दुआ पढ़ता है बिस्म्ला तवक्ल तो लाउला वाला कु अगर कोई शख्स अपने घर से निकलते वक्त यह दुआ पढ़ लिया शैतान खुद कहता है, कुफीता, वो हुदी था वो उकीता। तेरे लिए तो तेरा रब काफी हो गया अब तेरे ऊपर किसी का कोई जोर नहीं चलेगा हुदीता तुझे हिदायत दी गई मालूम यह हुआ कि दुआएं करने से प्रोटेक्शन होती है अल्लाह की इबादत करने से शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता और जब इंसान अल्लाह की इबादत से अपने आप को अलग कर लेता है तो वो गंदी तस्वीरें देखता है गंदी फिल्में देखता है गंदे ख्याल आते हैं अल्लाह को छेड़कर दूसरों के दरबार में जाता है दूसरों के नामों की दुहाई देता है दूसरों को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझता है तो इबादत का पहला फ़ायदा ये है कि इंसान शैतानी हरबों से महफूज रखता है आप जितने जितना ज़्यादा अपने आप को इबादत में लगाएंगे उतने ही ज़्यादा शैतान को आप काबू में रखेंगे शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा दूसरा फ़ायदा जब इंसान इबादत में लग जाता है तो अल्लाह ताला उसको अजाब से बचा लेता है अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में कई मकाम पर फरमाया अल्लाह तुमको अजाब दे करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की इबादत करो अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह तबारक तआला अपने मुखलिस बंदों पर अजाब नहीं बेचता ये जो अजाब आ रहा है मुल्क का मुल्क तबाह हो जा रहा है और लोग ज़मीन में धंसे चले जा रहे हैं ये अल्लाह की नाफरमानियों का नतीजा कहीं पर जल्जरे आते हैं कहीं पर सैलाब आता है कहीं पर ज़ोरदार बारिश होती है कहीं पर एक हुकूमत दूसरे हुकूमत से टकराती है ये सब अजाब इलाही है हमारी ग़लत गुनाह हमारी गलत कामों का हमारे गुनाहों का नतीजा है अल्लाह के नबी सस ने फरमाया कि जब अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो अल्लाह का अजाब आ जाता है अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी हमारी ज़िंदगी में बरकत होगी हमारे घरों में रहमत होगी हमारे दिल को सुकून मिलेगा अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जो शख्स भी अल्लाह की इबादत करता है शर्त यह है कि वो मोमिन हो चाहे वो मर्द हो या औरत फलन न हयातन तय्यबा हम उसको हयात तयबा अता करेंगे हम उसको पाकिज़ा ज़िंदगी देंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून मिले बरकत मिले तो हम हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहें इसी तरीके से जो हमेशा अल्लाह का जिक्र करता रहता उसको अच्छी मौत होती मरना तो हमको है ना सबको मरना है कि नहीं अच्छी मौत कब मिलेगी जब हमेशा अच्छा काम करेंगे आप एक मिसाल देता हूं आप अपनी कार में बैठकर जा रहे हैं और आपकी कार में म्यूजिक और गाना लगा हुआ है अब सोचिए कि आप म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं गाना सुनते हुए जा रहे हैं अल्लाह ना करे आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो आपकी मौत कैसी होगी कैसी होगी सोच लें यही अगर आप अपने घर से निकले हैं दुआ पढ़कर निकले आप अपनी कार में बैठे हैं अल्लाह का नाम लेकर के बैठे हैं आपकी कार चल रही है और जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं सुबह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्ला अकबर मौत होगी तो कैसी होगी शहादत की मौत होगी हमेशा नेकी करते रहो कितने लोग ऐसे हैं जो सजदे में मरते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हुए मरते हैं अच्छा काम करने से अच्छा काम करने से अच्छाई करने से अच्छी मौत मिलती है इसी तरीके से मेरे भाइयों जहां बहुत सारे फायदे हैं उसमें से एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह तबारक तआला दुश्मनों के गलबे से हमको महफूज रखता है दुश्मन हमारे ऊपर गालिब नहीं आ जाएंगे आ पाएंगे आप देखेंगे हर जमाने में हर दौर में वो लोग जो अल्लाह की इबादतों में लगे हुए हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और अल्लाह तबारक को तआला ने ये ऐलान कर दिया है कि जो अल्लाह की इबादत में लगा रहेगा अल्लाह से अपने रिश्ते और ताल्लुकात को मजबूत रखेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा मन कान कान लिल्लाह कानी कानू जो अल्लाह का होता है अल्लाह भी उसका हो जाता है मेरे भाइयों अल्लाह वाले बन जाओ अल्लाह वाले बन जाओ जिंदगी में बड़ा मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं ये जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए इबादत का मफहूम समझने की तौफीक तो नायत फरमाए और इबादत के तकाजों को पूरा करने की तौफीक तो नायत फरमाए अल्लाह हम सबको جب تك دنيا میں ركّه إسلام پر قائم ركّه خاتمه تو إيمان بالخير پر هو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتاي ذي القربى وينهى عن والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه